बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के समक्ष लगातार 15 दिनों से सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोगों पर सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने सड़क पर गाड़ियों को रोक रहे आंदोलनकारियों को जबरन गाड़ियों में बैठाते हुए सेक्टर 4 स्थित कुमार जयमंगलम स्टेडियम कैंप जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन कर रहे विस्थापित बेरोजगार युवा बोकारो स्टील के द्वारा अप्रेंटिस की ट्रेड कराए जाने के बाद भी 2 साल तक नियोजन नहीं देने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। आज संघ के लोगों ने बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के 3 गेट को जाम करने की घोषणा की थी। इसी को लेकर जब आज यह लोग मौके पर पहुंचे तो मौके पर मौजूद बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मी सीआईएसएफ के द्वारा महिला और पुरुष आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस दौरान आंदोलनकारी महिला चोटिल भी हुई हैं। हालांकि सिटी थाना प्रभारी संतोष कुमार ने लाठीचार्ज की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी सड़क से गुजरने वाले वाहनों को रोककर सड़क पर अवरोध पैदा कर रहे थे, इसी कारण बल का प्रयोग कर उन्हें मौके से हटाते हुए कार्रवाई की गई। हम आपको बताते चले कि जब आंदोलनकारी को पकड़कर सीआईएसएफ की गाड़ी में बैठाकर कैंप जेल में लाया गया जा रहा था तो उन आंदोलनकारियों को खाने के लिए बिस्किट दिया गया था जो एक्सपायर हो चुका था। 2 कार्टून बिस्किट दिया गया था, दोनों ही कार्टून बिस्किट के एक्सपायरी थे। वहीं धरने पर बैठे लड़की और महिलाओं ने सीआईएसएफ महिला के बल के द्वारा उनको बाल को पकड़कर लाने और लात मारने का आरोप लगाया है। देखिए हम लोग को यहाँ एक तो गाड़ी में डाला गया है सब का और उसमें भी एक्सपायरी बिस्किट रखा गया है, दो कार्टून में भर के जो हम लोग को खाने को दिया गया है। फूड पॉइजनिंग हो सकता है हम लोग को। देखिए यहाँ पे ये हम लोग के साथ बीएसएल मैनेजमेंट और सीआईएसएफ के कुछ जवान कुछ ऑफिसर का मिली भगत है जो पैसा खाकर ये सब काम करते। देखिए हम लोग ट्रेनिंग है, स्टूडेंट है, हम लोग को मराने का काम किया जा रहा है, मारने का काम किया जा रहा है जी। वही लोग का गाड़ी में, ये वही लोग का गाड़ी है जिसमें हम ही है, हम लोग है और इसमें ये बिस्कुट भी है, 2 कार्टून बिस्किट है यहाँ पे रखा हुआ, आप ऊपर रख के देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, महिलाओं को तो मारा गया है, महिलाओं को मारा गया, वीडियो भी हम लोग के पास है, वीडियो भी हम लोग के पास, वीडियो देखिए देखिए। विस्थापित अप्रेंटिस संघ का पिछले 11 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। इन लोगों को नियोजन की कुछ मांग थी, वार्ता आगे नहीं हो पाया और कुछ इन लोग अपने जीत पर अड़े हुए थे और इन लोग के द्वारा विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया। तत्पश्चात जो सो मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर इन लोग को यहाँ से उठाया जा रहा है। क्या कर रहे थे आज विधि व्यवस्था बिगाड़ने में? रोड में गाड़ी रोक रहे थे, गाड़ी के आगे सो जा रहे थे और यहाँ तक कि हमला करने पर भी ये लोग उतारू हो गए थे। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा? उन लोग को बस बैठाया गया है, थोड़ा बलपूर्वक, कोई जो सो बल प्रयोग नहीं किया लेकिन बलपूर्वक उन लोग को बैठाया गया है गाड़ी में ताकि इन लोग को विधि व्यवस्था भंग नहीं करने दिया जाए। महिलाओं का आरोप है कि किसी एसएफ के जवान के द्वारा महिलाएं की पिटाई की गई? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई घटना घटी है। कहां ले जा रहे हैं अभी इन लोग को? कुमार मंगलम स्टेडियम में कैंप जेल बनाया गया है, वहीं पर इन लोग को भेजा जा रहा है। उधर से खींच के ला रही थी, नहीं आ रहे तो गिरा के लात से मार दिया पूरे। यहाँ देखे, यहाँ नहीं है, देखे छिल गया है। कौन लोग मारा? वो सीएसएफ वाली बताइए, लात से मारने का है क्या? और ये लोग के पास हम लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट है क्या? हम लोगों को जो लेके जा रही है, अरेस्ट वारंट है ये लोग के पास? हाँ, ये लोग का तानाशाही चल रहा है। क्यों हम लोगों को ऐसे क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये लोग क्यों ऐसे कर रहा है? लात से मारने का है, लगा चोट नहीं लगता है क्या? क्या मांग था आप लोग का? डिमांड क्या था आप लोग का? उससे बोलिए ना, ये लोग लात से मारने वाला है। डिमांड क्यों आई इसमें? बस दो ही डिमांड है। एक, हम लोग का एज बढ़ा है, हम लोग को 2016 को एग्जाम लिया है और आज तक सोचे कितना साल हो गया, सबका एज निकल गया। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम देंगे कैसे देंगे? एज रहेगा तब ना एग्जाम देकर के आएंगे।